नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। भोजपुरी फिल्म स्टार व भाजपा सांसद दिनेश यादव निरहुआ ने केंद्र सरकार द्वारा पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाने को उपयोगिता बताया। निरहुआ कहना है कि देश हित के लिए जो उपयोगी होगा वो फैसला लेने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार इस तरह के मामले में कड़ा से कड़ा फैसला आसानी से लेगी। पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने को लेकर विपक्ष पार्टियां द्वारा उठाए जा रहे सवाल पर भाजपा सांसद का कहना है कि इसलिए वह लोग विपक्ष में हैं और विपक्ष में ही रहेंगे जब विपक्ष को जनता मौका ही नहीं देगी। आज देश की जनता चाहती है कि देश हित में काम हो। भाजपा सांसद एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे। भाजपा सांसद के साथ भोजपुरी अदाकार अम्रपाली दुबे भी मौजूद रहेंगे। समाजवादी पार्टी के अधिवेशन में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के वार कि भाजपा सरकार से सिर्फ सपा ही लड़ सकती है पर पलटवार करते हुए सांसद ने कहा कि पहले वो अपने घर में लड़ लें, फिर हम लोगों से लड़े। अखिलेश यादव की घर की लड़ाई खत्म नहीं हो रही। भाजपा सरकार सारे काम प्राथमिकता के आधार पर कर रही है। जिले में विकास कार्यों पर भाजपा सांसद का कहना है कि सारे काम प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है, उन्हें शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन परियोजनाओं का शुभारंभ किया है उन पर काम शुरू हो गया है। एयरपोर्ट के सवाल पर कहा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जमीन अभियान का कार्य किया जा रहा। डोमेस्टिक एयरपोर्ट का शुभारंभ जल्द ही होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करेंगे। जिले के 3 लोगों को इथोपिया में फंसे होने के सवाल पर भाजपा सांसद का कहना है कि विदेश मंत्रालय से बात हुई है, आश्वासन मिला है कि जल्द ही इन लोगों को भारत वापस लाया जाएगा। देखिए, देश के लिए जो भी सही है और उपयोगी है उसके लिए हम लोगों की सरकार प्रतिबद्ध है। हर फैसला लेने के लिए, कितना भी कड़ा से कड़ा फैसला हो, वो फैसला लेने से सरकार पीछे नहीं हटेगी। बात जब देश की सुरक्षा की हो, बात हमारे देश के लिए हो, तो कोई भी फैसला सरकार आसानी से लेगी। लेकिन विपक्षी पार्टियां अभी कह रहे हैं कि सरकार का फैसला सही नहीं है और सरकार कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। इसीलिए विपक्षी पार्टियां विपक्ष में हैं, उनको इसीलिए जनता ने नहीं चुना है, क्योंकि देश के हित में कोई काम होता है तो विपक्ष चिल्लाने लगता है और इसीलिए वो विपक्ष में है और विपक्ष में ही रहेगा। उसको कभी सत्ता में आने का मौका जनता नहीं देगी, क्योंकि जनता को चाहिए कि हमारे देश के लिए जो हित में हो वो काम हो। तो अगर प्रचंड बहुमत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है तो इसीलिए बनी है कि देश हित में जो भी फैसला है उसको लेने से वो पीछे नहीं हटते हैं। समाजवादी पार्टी का अधिवेशन चल रहा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं भाजपा से सिर्फ समाजवादी पार्टी ही लड़ सकती है, क्या कहेंगे? वो घर में पहले लड़ लें, फिर हम लोग से लड़ लेंगे। वो पहले अपने घर में लड़ लें। मुझे लगता है कि उनके घर की ही लड़ाई खत्म नहीं होगी, वो हम लोगों से क्या लड़ेंगे। सर, जो विकास के शहर के एजेंडे का काम था, सड़कों का काम था और भी काम था, अभी क्या क्या कुछ शुरुआत की? हम लोगों ने सारे काम दे दिए हैं और प्राथमिकता के आधार पे जो जो काम है उसको पहले शुरू किया जा रहा है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूजनीय हमारे मुख्यमंत्री जी जब आए थे तो उन्होंने सारी जितनी परियोजनाओं का उद्घाटन किया था उसे शुरुआत कर दिया गया है और एक एक करके सब बनना शुरू हो गया है। एयरपोर्ट वाला भी कुछ काम डेडलाइन मिली आपको? एयरपोर्ट का तो निर्माण हो ही चुका है और अब जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात आई है तो उसके लिए काम हो रहा है। जमीन अधिग्रहण होने के बाद उस पर काम शुरू होगा, लेकिन अभी बीच में जब महाराज जी आएंगे आजमगढ़ तो एयरपोर्ट का शुरुआत हो जाएगा, उद्घाटन हो जाएगा। दिनेश जी, आजमगढ़ के 3 लोग इथोपिया में फंसे हैं, 50 दिन हो चुके हैं, जिला प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधियों से भी गुहार लगा चुके हैं जी, क्या मदद की जाएगी? मैंने इसके लिए विदेश मंत्रालय में बात किया है और विदेश मंत्रालय में मुझे आश्वासन भी मिला कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी उनको लेके आएंगे वापस जी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो